गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी सपना मैडम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 3 के इंग्लिश के वर्कबुक के 6 नंबर पर स्थित वाइल्ड एनिमल्स, इसके बारे में बच्चों मैं पढ़ाऊंगी। वाइल्ड एनिमल्स मीन्स होता है बच्चों जंगली जानवर, जो ज्यादातर जंगल में रहते हैं। कुछ लोग पालने के लिए रख लेते हैं जानवरों को, लेकिन ये बच्चों जंगली जानवर हैं, क्योंकि ये खतरनाक जानवर हैं। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इनके अंग्रेजी में नाम बताऊंगी और आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। तो पहले चित्र को देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से ऊपर पहले चित्र को। तो बच्चों, ये किसका चित्र है, किस जानवर का? ये कौन सा जंगली जानवर है? शेर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लायन। फिर उसके नीचे देखिए बच्चों, किस जंगली जानवर का चित्र है? हाथी का। हाथी को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों एलिफेंट। उसके नीचे देखिए बच्चों, किस जानवर का चित्र बना हुआ है? सांप का। सभी लोग पहचान रहे होंगे, गांव में बहुत सारे निकलते रहते हैं, हम लोग भी अपने बचपन में बहुत देखे हैं। तो बच्चों, सांप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्नेक। अंग्रेजी कहो चाहे इंग्लिश कहो, एक ही चीज है। और इसके बाद देखिए बच्चों, ये किस जंगली जानवर का चित्र है? ऊपर देखिए, बंदर का। बंदर भी आप लोग बहुत देखे होंगे, स्कूल में भी कई बार आया है। तो बंदर को इंग्लिश में या अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? मंकी। उसके नीचे किस जानवर का चित्र है बच्चों? लोमड़ी का। ये बच्चों लोमड़ी, ये जंगल में पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फॉक्स। इसको क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में? फॉक्स। इसके नीचे देखिए बच्चों, फिर किस जानवर का चित्र बना हुआ है? हिरन का। हिरन को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं? डियर। डियर मींस हिरन। एक बार हम लोग फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। रिवाइज मतलब दोहराना, दोहरा लेते हैं। ये किस जानवर का चित्र है, किस वाइल्ड एनिमल्स का चित्र है? वाइल्ड एनिमल्स मींस जंगली जानवर, लायन, एलिफेंट, स्नेक, मंकी, फॉक्स, डियर। मेरे ख्याल से बच्चों, आप लोगों को इन जंगली जानवरों के नाम इंग्लिश में याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, कई राउंड देखिए बच्चों, और इसको याद करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।